नमस्कार। 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जानेंगे सभी का हाल, आज का दिन कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। पराक्रम भाव काफी मजबूत रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिख रही है और साथ में संतान की तरफ से कुछ खुशखबरी हो सकती है, उसके कैरियर के लिए या संतान के लिए या पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कुछ नई खुशखबरी आ सकती है। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल का समय दिखाई दे रहा है। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी आपको ठहरना पड़ेगा। आज के लिए कलर रहेगा आपका केसरिया कलर। प्रतिशत अंक जो आपको प्राप्त होता है वो आपको मिलेगा 32%। शाब्दिक शुभ रहेगा आपके। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सोच विचार करने वाला है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं जाने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। चिंता ज्यादा ना करें। पारिवारिक चिंताएं सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी। अपने स्वास्थ्य और सेहत का विशेष ध्यान रखें। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, गुप्त बीमारी आपको हो सकती है, कोई पुरानी बीमारी आपको उभर करके बाहर आ सकती है, तो आज का पूरा दिन आप खुद थकान सा महसूस करेंगे। कैरियर में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा आपको होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अत्यधिक ज़्यादा मिल सकती है। लकी कलर रहेगा आपके लिए सफ़ेद। प्रतिशत अंक आपको प्राप्त होता है 21%, बहुत ही कम है, तो इसलिए थोड़ा सा सशक्त रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा हिम्मत से काम करना है। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए जो एक माइंड आज का रहेगा, आपका दोहरापन रहेगा महसूस करेंगे। किसी पुरानी चीजों को सुन करके या किसी के दुख को सुन करके बहुत ज्यादा चिंतित हो सकते हैं आज के डेट में आप, या कोई बहुत बड़ा नुकसान होने के कारण, हालांकि उस नुकसान की भरपाई आगे चल करके हो सकता है, लेकिन आज के दिन नुकसान को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए अपनी सेहत का विशेष करके बीपी का विशेष करके ध्यान रखिएगा और खास करके शुगर का भी। लाभ कम मिलेगा, लाभ प्रतिशत बहुत कम है आपका, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आज के दिन आपका विशेष उपाय जो होगा, भगवान शिव की पूजा अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। गणपति बप्पा को लाल कलर का फूल अर्पित करें और मंत्र बोले ओम गंग गणपते नमः। लकी कलर रहेगा आपके लिए हरा और प्रतिशत अंक आपको मिलता है 23%। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी खुशनुमा रहने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लेवल रहेगा आपको। कोई यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं कुछ हो सकती हैं, और उस यात्रा में आपकी मनोरथ पूर्ण होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर विदेश जाने का कोई प्लानिंग बन रहे हैं तो हो सकता है आज कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कपड़े इत्यादि जो हैं कि आप आज के डेट में आप ले सकते हैं, गाड़ी या प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें जो हैं कि ले सकते हैं, या कॉस्मेटिक से संबंधित सामग्री जो है कि आप प्राप्त करेंगे आज के दिन में, ठीक है। तो निश्चित रूप से है कि ये चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेगी। धार्मिक आस्था में जो है कि आपकी वृद्धि होगी, और आज के दिन अगर आप भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करने के पश्चात, उनकी पूजा करने के पश्चात आप घर से बाहर निकलते हैं तो विशेष लाभ देखने को आपको प्राप्त होगा। लकी कलर रहेगा आपका सफेद। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 30%। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, अपनी वाणी पर थोड़ा विराम दीजिएगा, अन्यथा आपकी वाणी से कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण आपका काम खराब हो सकता है, धन हानि हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ वाद विवाद घरेलू होंगे तो उसका समाधान भी आपको मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद अगर रहेगा तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आता है यहाँ पर कम बोलने से आपकी जय होगी। लकी कलर रहेगा आपके लिए केसरिया कलर और प्रतिशत अंक आपको मिलता है 33%। वहीं पे कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा जाने वाला है। आज
खर्च की तरफ संकेत सबसे ज्यादा दे रहा है कि आज आपका खर्च भी होने वाला है। खर्च पर तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। साथ में परिवार में कुटुंब में कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। कुटुंब में वृद्धि या कोई मंगल कार्य होने का डेट तारीख फिक्स हो सकती है। धन में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। गाड़ी वाहन या प्रॉपर्टी लेने का शुभ संकेत बन रहा है। कोई खुशियां आज आपको बहुत खुश दिखाई देंगे। कोई खुशियां आने वाली है आपके घर में तो बहुत खुश दिखाई देंगे। लकी कलर रहेगा आपके लिए हरा। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 40%, जो कि आज के डेट में सबसे अधिक प्रतिशत अंक कन्या राशि वालों के लिए मिल रहा है। साथ में अगर तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ना थोड़ा काफी कंफ्यूज रहेंगे, करें ना करें, डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। कोई अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो उसको देख करके ही आप, पढ़ करके ही आप उस पर सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे, अन्यथा आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है या पुरानी बीमारी कोई जो है कि आपको परेशान कर सकती है। आज के लिए लकी कलर रहेगा आपके लिए नीला। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 19%, बहुत कम है। वहीं पर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति को क्रिएट करेंगे। देखेंगे आप डिसीजन लेने में आप असमर्थ होंगे। कुछ लोगों से आपको बचना पड़ेगा, जो आपके नियर एंड डियर रहेंगे वहां पे आपको बचाव भी करना पड़ेगा, अन्यथा चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। कैरियर को लेकर के थोड़ा सा सशक्त रहना पड़ेगा आपको। बिजनेस व्यवसाय में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है आज के डेट में, कुछ बहुत बड़ा हानि हो सकता है, बचना पड़ेगा आज आपको। किसी दूसरे पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करके कार्य को बिल्कुल ना करें। लकी कलर रहेगा आपके लिए लाल। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 29%। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके घर से बाहर निकले। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि का दिन आज काफी अच्छा जाने वाला है। नई नौकरी की तरफ अगर तलाश कर रहे थे या पेपर या एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह हो गया तो सिलेक्शन होने का पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी खुशखबरी आ सकती है। वहीं पे विवाह के लिए संयोग बन सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर प्रेम विवाह की तरफ अगर कोई झुकाव है तो आज घर परिवार में दोनों घर परिवार से अगर बातचीत की जाएगी तो निश्चित रूप से ये इसमें दोनों पक्ष जो हैं कि शादी के लिए तैयार हो सकते हैं। थोड़ा सा गुरु को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी होगी तो ये कार्य आज आपका सिद्ध हो जाएगा। लकी कलर रहेगा आपके लिए पीला। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 30%। मकर राशि की बात अगर हम करें, आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। अचानक धन लाभ की प्राप्ति दिख रही है। कोई बहुत बड़ा कार्य आपका जो पहले से आपने किया होगा रुका होगा तो वो कार्य आज आपका सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। लेकिन खर्च में कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे कर्ज इत्यादि रहा होगा तो उनसे भी थोड़ा सा बचना पड़ेगा। कुछ बात विवाद चीजें हो सकती हैं। लकी कलर रहेगा आपके लिए ब्लू। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 26%। तो वहीं कहेगा कुंभ राशि वालों के लिए कुछ बहुत बेहतर होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ऐसी चीजों का बनाने का माइंड में आपके दिमाग में आएगा, आपके माइंड में चलेगा, जिससे कि आगे योजना जो है कि आप बनाएंगे। आज धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र में से संबंधित अगर कोई वर्क कर रहे हैं, सफलता मिलने तो इस राजनीतिक क्षेत्र में आज के दिन बहुत बड़ा चीजें आपकी हो सकती है। लकी कलर आपके लिए रहेगा नीला। प्रतिशत अंक आपको मिलता है 30%। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी खुशनुमा रहेगा। पीला टीका लगा करके घर से बाहर निकलिए। लकी कलर आपके लिए रहेगा गेहुआ कलर। और प्रतिशत अंक आपको मिलता है 24% अंक मिलेगा। तो ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वालों को सभी का हाल। दीजिए इजाजत। नमस्कार।